टू माई चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सुनीता सीसी क्रीम फाउंडेशन से अपना मेकअप करने जा रही हूँ। ये एक पार्टी मेकअप है, इंडियन पार्टी लुक है, तो मैं पहली बार ऐसा कुछ मेकअप करने जा रही हूँ। तो बस आप देखते रहिए कि कैसा है क्या है, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको आपको लाइक करना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल का जो बेल बटन है उसको भी दबा दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक प्राइमर लगा लेना है। आप प्राइमर नहीं लगाते हो, फेस ऑयल लगाते हो या सीरम लगाते हो, जो भी लगाते हो, आपका सबसे पहला काम है यही करना है। हमें एक हैवी मेकअप करना है, तो मतलब पार्टी मेकअप शादी में जैसे हम लोग जाते हैं वैसा ही मेकअप हमें करना है। तो क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो मैं वो कर ली हूँ। और आईब्रो फिल मैं पहले ही कर ली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप भी देखते रहिए और मैं भी दिखाती रहूँगी। तो यहाँ मैंने ब्लू हेवन का ले लिया था। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर, क्योंकि मैं पार्टी मेकअप कर रही हूँ और अगर आपके डार्क सर्किल है या आपकी जो स्किन है वो इक्वल नहीं है तो आप कंसीलर यूज करिए, या फिर आप चाहते हो फुल कवरेज चाहते हो तो ये सुनीता सीसी क्रीम फाउंडेशन जो है उसके साथ आपको कंसीलर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमर के बाद हम कंसीलर यूज करेंगे और ये एरिया बस ज्यादा नहीं यूज करेंगे। ये विट एंड वाइल का कंसीलर है जो मुझे काफी पसंद है। वैसे मैं कंसीलर इतना यूज तो नहीं करती क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहो तो कैसे यूज करो बस मैं यही दिखाऊंगी। और इतना भी हैवी ये मेकअप नहीं होगा, लाइट ही रहेगा। मतलब ये एकदम नहीं कि मैं आपको ब्राइडल ही लुक दिखा देंगी, लेकिन एक ऐसा लुक रहेगा कि आप पार्टी में, शादी में, बारात में, किसी के रिसेप्शन में, किसी की सगाई में, अपनी बहन की सगाई में, कहीं भी कर लो। आप अपने अकॉर्डिंग कंसीलर लगा लेना, मैंने बस लगाया क्योंकि मुझे दिखाना। और आज मैं यूज करूंगी न्यू मैंने भी परचेज किया, काफ़ी प्यारा है, छोटू सा है और क्या करूंगी। तो मैंने वाटर लिया नहीं है तो ये देखिए, तो थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर लूंगी मैं इस पर। ठीक है, और फिर इसको सेट करेंगे हम। लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, होगी तो बताइएगा। मैंने अभी तक ये लगता कंसीलर ज्यादा लग गया है, लेकिन आप काफी अच्छा अपने ब्यूटी ब्लेंडर है। और अगर आपको इसका बाय चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना, अच्छा है। कल बाय के अच्छे होते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। आपकी न्यू शादी होने वाली है और आप चाह रही है अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर, तो देखिए कितना जल्दी ब्लेंड हो गया। जो इसके बाद यूज करना है सुनीता सीसी पीडी, तो ये है। ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे थे। देख लो, ठीक है, तो अब मैं अपने बाल कर ले रही हूँ पीछे। देख रहे हो, एकदम पास से मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरी बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप ये लगाए ना, अपने कान पे और अपने नेक पे जरूर लगाएं इसको, क्योंकि ये पूरा लुक चेंज कर देता है आपका। तो अगर अलग अलग लगेगा ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने सुनीता लगा रखा है। ठीक है, साइन देख रहे हैं आप, चला चला ही, यूं ही चला चला ही, जीवन गाड़ी समय पहिया।
भूल सानी जमीले देखे फूलों की मिले, बड़ी हसीन है ये दुनिया। ये एरिया जो होता है ना, जो आपके मेकअप को बताता है लोगों को, ये एरिया जो होता है ना, ये वाला एरिया, यही एरिया लोगों को बताता है कि आपने मेकअप किया है कि नहीं किया है। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस एरिया को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। कंसीलर लगाने के बाद भी ये एरिया बताता है, ऐसे एरिया है ना कि स्किप हो जाते हैं हमारे दिमाग से, हमारे हाथों से, हमारे ब्यूटी ब्लेंडर से स्किप हो जाते हैं, लेकिन देखने वालों की आंखों से नहीं होते। इसीलिए ध्यान रखा करिए। अरे एरिया जो होते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि आपने मेकअप कर रखा है, चाहे आप फाउंडेशन लगा रहे हो, चाहे कोई बीबी क्रीम लगा रहे हो, या कोई सीसी क्रीम लगा रहे हो, या इस तरह का ही कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो जो अभी मैं आपके सामने लगा रही हूँ। तो इन बातों का काफ़ी अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है। देखिए हो गया। तो सबसे पहले हम थोड़ा ब्राउन शेड लेंगे और इसको अपनी आई पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। दो ही कलर में रखूँगी मैं। बाद हमें रेड कलर पिकअप करना है और इसको लगा लेना है, ठीक है। सिल्वर हाइलाइटर नहीं लेंगे आई कॉर्नर के लिए, हम यहाँ लेंगे कॉपर। ओके, आप गोल्डन या कॉपर के साथ जा सकते हैं, बट सिल्वर नहीं, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा लुक दे देगा आपकी आँख को। दोनों आँखों में अपने हाइलाइटर लगा लिया है और आपको धीरे धीरे मेकअप और अच्छी तरह समझ में आना लगा होगा। अभी तो बहुत टाइप की लग रही होंगी, अभी थोड़ा और काजल तो आँखों में लगेगा ही। आप चाहो तो ग्लिटर लगा सकते हो, गोल्डन भी लगा सकते हो आईलिड पे, या रेड भी लगा सकते हो। मेरा मिल नहीं रहा है तो इसीलिए मैं नहीं लगाई, अभी आगे मिल जाएगा तो मैं लगा के दिखा दूंगी। और नहीं लगा पाई, नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं। आईलाइनर यहाँ मैंने मैबलिन का लिया है। इसके बाद आप कोई भी रूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हो अपना, ताकि आपका जो मेकअप है वो और भी अच्छी तरह सेट हो जाए। तो मैं यहाँ, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा लाइट है या डार्क है, तो अपनी स्किन टोन का जो भी आपका फेवरेट आपसे मिलता जुलता है स्किन टोन का है, वाला कॉम्पैक्ट पाउडर आपको लगा लेना है, ठीक है, ताकि आपका मेकअप पार्टी लुक के लिए एकदम रेडी हो जाए। और जितने भी इधर उधर चीजें गिरी होंगी वो भी निकल जाए। वो ग्लिटर मिल गया तो मैं लगा के देख लेती हूँ, फिर कॉम्पैक्ट पाउडर भी सेट हो जाएगा तब तक। तो रेड ग्लिटर, हम ब्लशर लगा दे रहे हैं, लगा ले रहे हैं।
मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है और आपको देखने से लग रहा होगा ना एकदम ब्राइडल सा लुक आया है, ज्यादा कुछ बिना फाउंडेशन के आया ऐसा लुक है सुनीसा सीसी फाउंडेशन से। और आप बताइएगा कि ये लुक आपको कैसा लग रहा है, क्या आप करना चाहोगे। अगर आपके पास ये फाउंडेशन है तो ऐसे भी आप करके जा सकते हो कंसीलर की सहायता से, थोड़ा सा अगर आपके चेहरे पे एक्ने है, क्योंकि ये फाउंडेशन आपको इतनी ज्यादा कवरेज नहीं देता है, एक साइन देता है, तो अगर इस तरह से आप लगाओगे तो आपके मेकअप में वो साइन रहेगा, वो ग्लो रहेगा, हर जगह से ग्लो रहेगा, उसी जगह से नहीं रहेगा जहां आपने बस हाइलाइटर लगाया है। और काफी लाइट वेट है, मतलब फाउंडेशन नहीं लगाया हम लोगों ने, केवल हमने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है या लूज पाउडर आप लगा लो और काफी देर तक ही टिका रहेगा ये मेकअप, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा देखने से। आपको क्या लग रहा है, ये कैसा लग रहा है आपको बताएगा। और ये जो एकदम चीप क्वालिटी का मैंने जो हाइलाइटर लगा लिया ना, ग्लिटर लगा लिया, ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अगर आप ये वाला ग्लिटर लेने की सोच रहे हो ना ऑनलाइन तो ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो, कोई और देख लेना। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू ऑल। मेकअप कैसा लगा, वाओ।